नमस्कार, जी हिंदुस्तान डिजिटल आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। जहां एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की वो हर संभव कोशिश है जिससे हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच बंदूक और डंडा लिए वे बाइक सवार भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो लगातार महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिशों में लगे हैं। इन्हें नाम दिया गया है बासिज का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बासिज है क्या बला, तो आपको बता दें कि ईरान की सरकार के प्रति वफादार लोगों का एक संगठन है बासिज, और खुद को पैरामिलिट्री वॉलंटियर ग्रुप यानी अर्धसैनिक बलों की तरह पेश करता है। बासिज पिछले दो दशकों से ईरान सरकार के खिलाफ किसी भी असंतोष को खत्म करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। अब जब पूरे ईरान में महसा अमीनी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब बासिज ने ही इन प्रदर्शनों को खत्म करने का जैसे जिम्मा उठाया हुआ है। ये हर शहर में तैनात हैं, प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जा रहा है इनकी तरफ से, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। यही वजह है कि इन विरोध प्रदर्शनों में बासिज के खिलाफ भी नारेबाजी जबरदस्त तरीके से हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं बासिज का इतिहास आखिर है क्या, कब इस संगठन को बनाया गया और इस संगठन को खड़ा करने के पीछे मंशा क्या थी। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद ही उस वक्त ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद आयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने बासिज संगठन को खड़ा किया। इसका खास उद्देश्य ईरान को इस्लामिकीकृत करने और देश के अंदर इस्लामिक विचारधारा को ना मानने वालों से मुकाबला करना था। आपको बता दें कि बासिज संगठन है जिसने 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था, और धीरे धीरे बासिज ने खुद को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के तौर पर स्थापित भी कर लिया। फिलहाल बासिज सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामेनी के प्रति वफादार है। वहीं इस मुल्क के बड़े लीडर्स भी इस्लामिक गणराज्य के स्तंभ के तौर पर बासिज के कामों की सराहना करते रहे हैं, और अब जब इतनी मान्यता और स्वीकार्यता इस इस्लामिक संगठन को मिली है, तो आप ये सहज ही समझ भी सकते हैं कि इसका दायरा ईरान में कितना फैला हुआ होगा। ईरान में बासिज की अलग आर्म्ड फोर्स, एंटी राइट फोर्स और जासूसों का एक बड़ा जाल है। इसके सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो पूरे देश में करीब 10 लाख है। वहीं बासिज के हजारों की संख्या में सुरक्षा बल बगैर वर्दी सामान्य लोगों के बीच दिख भी जाएंगे आपको। बासिज का हिस्सा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो करीब 45 दिन तक कराई जाती है, और इस प्रशिक्षण में सैन्य और वैचारिक दोनों तरह की ट्रेनिंग शामिल है, जिसमें ट्रेनिंग लेने आए लोगों को ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि इस्लामिक क्रांति अन्याय के खिलाफ एक ईश्वरीय संघर्ष है जिसे असंख्य दुश्मनों से खतरा है। इस कड़ी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही बासिज में कोई शरीक हो पाता है। जब ये लोग सुरक्षा बलों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, तो इन लोगों को सरकार की ओर से सैलरी भी मिलती है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि बासिज में इसीलिए लोग शामिल होते हैं क्योंकि इससे उन्हें न केवल नौकरी पगार मिलने का जरिया मिलता है, यही नहीं इसके साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिला और सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो बताया जाता है कि पूरे देश में बासिज की कई शाखाएं काम कर रही हैं, उसका अपना व्यापार संघ है, छात्र संगठन और मेडिकल फैकल्टी भी है। हालांकि अमेरिका ने बासिज के व्यापार संघ पर बैन लगाया हुआ है। फिलहाल तो ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए बासिज पूरे दमखम से जुटा है। सबसे दुखद बात यह है कि बासिज अपने ही नाम के उलट व्यवहार कर रहा है। फारसी भाषा में इस नाम का मतलब होता है पीड़ितों को एक साथ लाने वाला संगठन, लेकिन अगर बासिज की हरकतों को देखें तो ये पीड़ितों पर अत्याचार जैसा ही दिख रहा है, जिसे दुर्भाग्य से सरकारी तंत्र का पूरा सपोर्ट है। इस खबर पर अगर कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमेशा की तरह जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल के साथ।